देश में कोरोना के कंट्रोल होते हालात के बीच डराने वाली खबर आई है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की जीनोम सिक्वेंसी में नए वेरिएंट का पता लगाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह वेरिएंट ब्रिटेन और ब्राजील से भारत आए लोगों में पाया गया है। यह भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट की ही तरह गंभीर है। इससे संक्रमित लोगों में कोरोना के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन असरदार है। देश में कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी के साथ बढ़ी थी उसी तेजी के साथ वापस जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 86,498 मरीज सामने आए हैं। वहीं कल कोरोना ने 2,123 लोगों की जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी फ्री वैक्सीन का फायदा मिलेगा। इसी सिलसिले में सरकार कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी गाइडलाइंस में बड़े बदलाव करने जा रही है। इससे जुड़ी नई गाइडलाइंस अगले एक दो दिनों में जारी की जा सकती है। बंगाल चुनाव में सीधा मोदी शाह से टक्कर लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब टीएमसी को देशव्यापी कलेवर देने में जुट गई है। इसको लेकर पार्टी के भीतर से टीएमसी के नाम में भी बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। सूत्रों की माने तो नाम को लेकर काम भी शुरू हो गया है। भारत सरकार की वैक्सीनेशन की नई नीति के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इन्हीं में से एक बयान अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि वह भारत सरकार का टीका लगवाएंगे, वो सिर्फ भाजपा के टीके के खिलाफ थे।